अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट ऑन दी वे टू माई ऑफिस। एक मीटिंग है उसके लिए जा रहा हूँ। और एक सवाल जो अक्सर आप लोगों के जहन में आता है, जो भी बच्चे CSS एस्पायरेंट होते हैं, वो बेसिकली ये है कि किस तरीके से, अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट जो है वो की जा सके। बच्चों को ये फीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है कि जो टाइम है उसके बीच में बरकत नहीं है, और वो प्रॉपर तरीके से टाइम निकाल नहीं पाते पढ़ाई के लिए। बातें सुनो लोगों की, उन लोगों की जिन्होंने CSS कर लिए हैं, उसाज़ा की, टीचरों की, तो वो कहते हैं 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। अब इनसे टाइम ही नहीं निकल रहा होता, तो उसका क्या बेस्ट वे है, टाइम कैसे निकालना है, इसका सलूशन क्या है, ये एक अहम चीज़ है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, वो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम यार कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई प्लेट में रख के आपको देगा। ये वो चीज़ है जो आपने खुद निकालनी है। मसलन जब मैंने इस CSS की तैयारी की, जब मैं इस फेज़ में था, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि आई वॉज़ इन मोटरवे पुलिस, मैं मोटरवे पुलिस में था, और जो मेरा ड्यूटी पॉइंट है वो मैं लाहौर में रिहाइश थी, तो लाहौर से कोई 100 किलोमीटर का फासला था मेरे ड्यूटी पॉइंट का, जहाँ पे मुझे 8 घंटे की ड्यूटी करने के लिए जाना होता था। अब मेरे पास ज़ाहिर है CSS का पहले कभी ख्याल भी नहीं आया, तो एज वाइज आखिरी चांस था। अब फिर मैं क्या करता था कि अपनी गाड़ी जो है, बजाय इसके कि 100 किलोमीटर में गाड़ी ड्राइव करता हुआ जाऊँ, मैं अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया करता था इधर न्याज बिग ठोकर पे लाहौर में, समझे 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी खड़ी कर देता था। यहाँ से फिर जो बसें जाती हैं मैं उनके ऊपर जाया करता। अब इसका मल्टीपल फ़ायदे थे। एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा CSS की प्रेपरेशन के हवाले से था, वो ये था कि जो बस के ऊपर जाने और आने वाला टाइम है, ये तकरीबन कोई 40-45 मिनट मुझे मिल जाते थे आराम से, कभी घंटा भी मिल जाता था, घंटा जाने में और घंटा आने में। तो ये 2 घंटे यूँ समझ लें कि बेहतरीन टाइम मैंने ढूँढ लिया था, निकाल लिया था पढ़ने के लिए। जाते हुए मैं प्रेसी किया करता था, प्रेसी मेरी बुक साथ रखी होती थी, साथ एक रजिस्टर रखा होता था, सीट पे बैठता था और बैठते ही पढ़ना शुरू कर देता था, और वापस आते हुए शॉर्ट ऐसे लिखा करता था। अच्छा, ये मैंने देखिए क्वेश्चन निकाल लिया। अच्छा, फिर उसके बाद मल्टीपल और वेज़ और तरीके थे जो मैंने अडॉप्ट किए। मसलन मैं किसी अगर मखसूस कमरे में बैठता हूँ, तो उस कमरे के अंदर अगर मुझे लगता है कि सोने में मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो मैंने कुछ इंतज़ाम ऐसा किया हुआ था कि उस कमरे की जो दीवारें हैं उन दीवारों के ऊपर चार्ट लगा दिए जाएं, और वो चार्ट जो हैं वो मैं देखता रहता था उनको कि उसके ऊपर क्या क्या लिखा है। वो चार्ट बेसिकली CSS से मुतल्लिक चीज़ों के होते थे, मसलन अल्लामा इक़बाल की शायरी है, अगर वो मुझे समझने में प्रॉब्लम मुझे था याद करने में उसको, तो मैंने फिर उसको इसी तरीके से याद किया कि उसके चार्ट लगा दिए और उनको सिर्फ रोज़ पढ़ता जाता था, और अल्लामा इक़बाल की शायरी मुझे याद हो गई, मैंने उर्दू रखी हुई थी। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद टाइम निकालने का, यार AC थोड़ा आहिस्ता कर देना अकरम। अच्छा, टाइम निकालने का एक और बेस्ट वे वो खैर किया तो मैंने CSS के बाद, लेकिन आपको एक अच्छी रहनुमाई उससे मिल सकती है, वो ये कि मेरी जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, CSS मैंने कर लिया, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, मुझे अब ख्याल आया कि मैं कोई, मुझे 35 मिनट लगते थे खुद ड्राइव करके जाया करता था ट्रेनिंग अकेडमी घर से, तो इस 35 मिनट को मैंने कहा कि कैसे यूज़ करूँ। अब उसके बीच में वो बसों वाला हिसाब तो हो नहीं सकता था, क्योंकि ड्राइव भी मैंने खुद करनी है, ड्राइव करते हुए तो आप पढ़ नहीं सकते। मैंने क्या किया कि लेक्चर्स अपने कुछ रिकॉर्ड किए इकोनॉमिक्स के और इस तरह के एक दो सब्जेक्ट्स के जो कि एकेडमी में मुझे पढ़ाए जाते थे, और उनको रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में डाल लिया, मोबाइल के बीच में रिकॉर्डिंग आ गई उनकी। अब जाते हुए मैंने कान के बीच में हैंड फ्री लगा लेनी और उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुनना शुरू कर देना, मेरी अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्डेड थे, किताब रख के मैंने सामने मेन पॉइंट उसके रिकॉर्ड किए हुए थे, सिर्फ आते हुए और जाते हुए मुझे जो भी टाइम मिल रहा है मैं उनको आते जाते हुए उनको मैं सुनता जाता था। तो इस तरीके से मतलब पॉकेट्स के बीच में टाइम निकालना सीखे। आप एक बात ये समझ लीजिए कि कभी भी इन अ सिंगल गो आपके लिए पढ़ना वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा, बोर भी आप हो जाएंगे और आपको टाइम की भी किल्लत का शिकार आप रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि
दुनिया वाले घर वाले आपको टोटल आज़ाद कर दें, आप तो दुनियादारी के काम भी करने हैं, आपने घर का सौदा सलफ भी लेकर आना है, आप तमाम मामलात आपने दूसरे करने हैं, उनके बीच में रहकर आपने टाइम निकालना है। और बेस्ट वे यही है कि आप ये देखें कि आपका टाइम कहाँ कहाँ पे पॉकेट्स निकल सकती हैं उसके लिए ना, छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे कुशंस। अच्छा, फिर जब आप CSS और PMS की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हैं, तो यार इसके बीच में 5 मिनट और 10 मिनट की अहमियत को पहचाने। ये जो 5 मिनट देखने में आपको लगते हैं ना, ये बहुत अहम है। मसलन एक दिन के 5 मिनट, मैं सिर्फ 5 मिनट की मिसाल लेता हूँ, एक दिन के 5 मिनट के माने हैं 1 महीने के 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब ये हो गया कि ये आपके 2 घंटे बन गए, 2 घंटे 2.5 घंटे आपके एक महीने के आपने निकाल लिए। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं पूरे साल के ऊपर, तो ये कोई 28-30 घंटे आपके ये बन जाते हैं। अब इन 28-30 घंटों के बीच में खाली आप 5-5 मिनट के ज़रिए 28-30 कोई क्वेश्चन जो है वो आप आराम से तैयार कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। और एक सब्जेक्ट के बीच में आपको पता है कि 28-30 ही सवाल होते हैं 100 नंबर का जो पेपर आप तैयार कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का। गोया कि आपने सिर्फ 5 मिनट यूटिलाइज़ किया और उनको आपने स्प्रेड कर दिया पूरे साल के ऊपर, तो उन 5 मिनटों की बदौलत आपका 100 नंबर का एक सब्जेक्ट जो है वो तैयार होता हुआ नज़र आने लग पड़ता है। तो 5 और 10 मिनट की अहमियत को ज़रूर पहचानें। इन मिनटों को आप अगर यूटिलाइज़ करना सीख जाएंगे, बच्चों को अक्सर सोते हुए अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो लेट जाते हैं मगर उनको नींद नहीं आ रही होती। अब ये बेस्ट टाइम है यूटिलाइज़ करने का किसी ना किसी तरीके से। मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई चीज़ रिकॉर्ड में डाल लें, अगर आपने लाइट बंद करके ज़्यादा सोना है तो उसको कानों में लगा के सुनते रहें, आपको आस्ता आस्ता सुनते सुनते नींद आ जाएगी। रिवाइज़ करना कोई चीज़ शुरू कर दें, रिवाइज़ करते हुए आप सुनना शुरू कर दें। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ये हैंड फ्री को यूज़ करने का तरीका बड़ा आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। लेक्चर रिकॉर्ड कर लें और हैंड फ्री पे उसको कानों में लगा लें, सुनते हुए जाएं, उसको ले जाएं। अच्छा, फिर उसके बाद जो चीज़ें टाइम वेस्टिंग है जिनमें आपको पक्का पता है कि आप घुसेंगे और आपका टाइम खा जाएंगे, उन चीज़ों से अवॉइड करें। असल फेसबुक मैंने ये देखा है कि एक बहुत बड़ा टाइम को खा जाने वाला ज़रिया है। सोशल मीडिया, यूट्यूब भी, आप एक चीज़ से दूसरी से तीसरी चीज़ में जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसी चीज़ों में जाना है, अगर आपको लगता है कि आपकी मजबूरी है कि आपने दिन में एक दफ़ा फेसबुक खोलना ही खोलना है, तो फिर फेसबुक के लिए, सोशल मीडिया के लिए टाइम की लिमिट्स लगा दें। मसलन आप ये लिमिट लगा दें कि जी मैंने फेसबुक जब पकड़ना है तो आप लगा लेंगे जी पूरे दिन के बीच में मैंने 9:15 से 10:15 के दरमियान फेसबुक यूज़ करना है, इसके अलावा यूज़ नहीं करना, अगर आप इसको अब्रप्टली छोड़ नहीं सकते तो। इस तरह की कोई लिमिट लगा लें सोशल मीडिया के यूज़ के ऊपर। जो भी टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं उनके ऊपर लिमिट्स लगा लें, और जहाँ जहाँ 5 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट आपको बाकायदगी से मिल सकते हैं, उन मिनटों को आप यूज़ करना जो है वो स्टार्ट कर दें। और बिलीव मी के ऐसे ही तरीक़ों से जुगाड़े लगा लगा कर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट जो है तैयार हो गए। विश यू बेस्ट ऑफ लक लाहौर। वैसे नहायत ही अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ कि जाने से पहले आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। नहीं, मैं दिखा नहीं सकता जी, दिखा नहीं सकता, वो कैमरा रोटेट नहीं हो रहा। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो सामने की।